तो दोस्तों, अब भारत के भीतर साउथ कोरिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट ह्यूंडई मोटर्स ने प्लान किया है कि वो 4000 करोड़ रुपीस भारत के भीतर निवेश करके जल्द ही 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका डेडलाइन उन्होंने सेट किया है 2028 का। वैसे आप देख ही सकते हो कि टाटा ने भी यहाँ पर अनाउंस किया था कि वो 10 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत के भीतर ले आएंगे, एंड नाउ ह्यूंडई मोटर्स ने भी यहाँ पर ऐलान कर दिया है। सो कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है आने वाले कुछ सालों के भीतर ही। नाउ कंपनी के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि वो दोनों ही सेगमेंट को टारगेट करेंगे जो प्रीमियम है, एंड फाइनली भारत के लिए स्पेशली ये लोग मास सेगमेंट को टारगेट करेंगे। इनकी अपकमिंग 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलमोस्ट सभी बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए बनी है, और भारत के लिए ये कुछ अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि इनके पोर्टफोलियो को भी और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकती है। वैसे ह्यूंडई का भारत में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल भी है। ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी है भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, और काफ़ी कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन ये ह्यूंडई कंपनी मात्र उन गिनी चुनी कंपनी में से ही है जिनके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी भी है। इन्होंने इनफैक्ट सक्सेसफुली हाइड्रोजन वाली कार को भी काफ़ी समय पहले ही रोल आउट कर दिया था। सो टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखें तो ह्यूंडई कंपनी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वैसे अब यहाँ पर ह्यूंडई के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इनफैक्ट ये तक कह डाला है कि भारत के लिए अब वो कुछ स्पेशल मास मार्केट ईवीज लॉन्च करेंगे, और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी होगी, लॉन्ग रेंज ये काफ़ी सुनिश्चित करेंगे। सो दैट जो हमेशा से एक डर रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है रेंज एंग्जाइटी, तो वो बिल्कुल भी ना रहे। फाइनली कंपनी का अब यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्शन है कि भारत का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, तो ये तो 53% होने वाला है 2028 तक, और ऐसे समय में ये कंपनी बिल्कुल भी पीछे रहना नहीं चाहती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में। इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर से कमेंट कीजिएगा।